खुद भले अकेले बैठ के रोई हूँ पर मेरे सामने कभी नहीं टूटी। हम लोगों ने जिस महामारी को हम लोगों ने झेला है उसकी पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर का भी जिक्र हो रहा है, उसमें कोई जाति विशेष इससे प्रभावित नहीं हो ऐसा तो नहीं रहा ना, कोई धर्म विशेष इससे प्रभावित नहीं हुआ हो ऐसा नहीं रहा, कोई अमीर गरीब सब इससे प्रभावित हुए हैं। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम लोग अपने देश के और खास तौर पर जिस प्रदेश से मैं आता हूं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बेहतर करें, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा की प्रणाली बेहतर हो, जरूरी है इन चीजों पर काम करने की। तो हाँ, जो कहा गया है कि भैया जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोग को सोच रखनी चाहिए, बिल्कुल उससे उठकर सोच रखनी चाहिए। देश में हम लोग को 135 करोड़ जो देश की आबादी है उसकी हम लोग को चिंता करनी चाहिए और इसमें एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे की है। जब तक इस अमीरी और गरीबी की खाई को नहीं भरा जाएगा, एक तरफ जो अमीर अमीर होता जा रहा है दूसरी तरफ जो गरीब गरीब होता जा रहा है और उस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं, तो जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को हम लोग नहीं बांटेंगे, हम लोग जो एक विकसित भारत के निर्माण की हम लोग कल्पना करते हैं उसको सही मायने में हम लोग नहीं पा पाएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद।